नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हरियाणा क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आपको हरियाणा क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो पिछले वर्षों में पूछे गए और आने वाले हरियाणा क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हरियाणा क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ऑप्शन सी। तो दूसरा क्वेश्चन है, उज्ज्वल का समानार्थी है, ऑप्शन बी धवल। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जगम का विलोम है स्थावर। क्वेश्चन नंबर 4, निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन डी नी प्लस आधार। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किन शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन ए मनोकामना। क्वेश्चन नंबर 6, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ऑप्शन बी माधुरी गुणवान नायिका है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है, ऑप्शन बी ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 8, बुरी बुरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, इसमें कौन सा अलंकार है, ऑप्शन सी अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 9, भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन डी कालिंदी। क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिक आउट द करेक्ट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डैश नॉट अंडरस्टैंड हिम लर्निंग सो सडनली। इसका आंसर है कैन, ऑप्शन सी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम लर्निंग सो सडनली। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल, ऑप्शन सी ड्यूटिफुल। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नॉट एरर देन चूज ऑप्शन डी। डॉक्टर के वेंकटेश डेंटिस्ट वास पेशेंट बट आल्सो टू द पुअर वंस, ऑप्शन बी। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल, ऑप्शन ए नोएजी। क्वेश्चन नंबर 15, द पैसिव वॉइस ऑफ समबडी हैज स्टोलन माई रिंग इज, ऑप्शन ए माई रिंग हैज बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल, प्रैग्मेटिक, ऑप्शन ए प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 17, पिक आउट द करेक्ट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ऑप्शन सी हैड लाफ्ट, इफ दे हैड लाफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नॉट एरर देन चूज ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल, ऑप्शन ए एक्सिव। क्वेश्चन नंबर 20, पिक आउट द करेक्ट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ऑप्शन डी वेयर, वेयर दे रेडी टू पे देयर ड्यूज। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन बी यकृत। क्वेश्चन नंबर 22, ध्रुव पद को पूर्ण जीवित किया था, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास ने। क्वेश्चन नंबर 23, जाकिर हुसैन किस वाग यंत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी तबला। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट से संबंधित एक करार किया है, ऑप्शन सी यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में तकलामाकन रेगिस्तान स्थित है, ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं,
ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऑप्शन सी सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, लिम्फ रंगहीन होता है क्योंकि, ऑप्शन डी आरबीसी अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है, ऑप्शन डी दसवीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 32, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था, ऑप्शन बी 1991। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 34, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ऑप्शन डी जगजीवन राम ने। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, ऑप्शन बी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 36, वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 1991 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी, ऑप्शन सी बीजू पटनायक। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन बी दी हैग। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ऑप्शन बी सिंडिकेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, पित्त जबर संचरित किया जाता है, ऑप्शन ए एडिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सहन करता है, ऑप्शन है ए पानी। क्वेश्चन नंबर 42, कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, ऑप्शन बी सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 43, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी स्टेम कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 44, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ए बी सी डी ई कोमा बी डी ए ई सी कोमा डी ई बी सी ए कोमा। इसका आंसर है ऑप्शन डी ई सी डी ए बी। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट शेयर जरूर करिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।